हेलो एवरीवन, क्या आपके रफ ड्राई हैंड्स हैं, हैंड एक्जिमा या हैंड एलर्जी है? तो जानते हैं उनके सॉल्यूशंस। सबसे पहले आपके वॉश बेसिन पे कौन सा साबुन है? यूजली सब लोगों के वॉश बेसिन पे लक्स, लाइफ बॉय या डिटॉल जैसे साबुन होते हैं। इनसे हाथ धोने का मतलब है सर्फ से हाथ धोना। ये इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, अगर आप रोज सर्फ से हाथ धोगे तो हाथों खराब होंगे ही। इसलिए सबसे पहले अपना वॉश बेसिन पे साबुन बदलिए, वहां पे SLS सोडियम लॉरियल सल्फेट फ्री साबुन रखिए। मेरी रिकमेंडेशन होंगी या तो डव या फिर सेटाफिल क्लेंसिंग लोशन। आपको कोई भी ब्रांड का SLS फ्री साबुन मिलता है, आप वो रख लीजिए। सेकेंडली, एक कोई सा भी मॉइस्चराइजर आप वॉश बेसिन पर ही रखिए। नीविया, पॉन्स, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो रखिए। अगर आपका मॉइस्चराइजर वॉश बेसिन पर रखा होगा तो हर बार आप हाथ धोने के बाद उसे ऑटोमेटिकली लगाएंगे। आपका साबुन कितना भी माइल्ड क्यों ना हो, हर बार वो आपकी स्किन से आपकी नमी निकाल लेता है, इसलिए आपको इमीडिएटली उसको रिप्लेनिश करना है एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाकर। लास्टली, रात को सोने से पहले हाथों में फ्लैक्सीड ऑयल यानी कि अलसी का तेल लगाएं। अलसी के तेल के अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि ड्राई स्किन और एक्जिमा वाली स्किन के अंदर नेचुरली नहीं है और जो स्किन की नमी को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपकी स्किन में नेचुरली वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 कम है तो उसे बाहर से लगाइए। सो फ्लैक्सीड ऑयल रात को सोने से पहले लगाइए। ये तीन चीजें कीजिए, SLS फ्री साबुन, मॉइस्चराइजर को वॉश बेसिन पर ही रखिए और फ्लैक्सीड ऑयल हाथों को रात में लगा के सोइए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका हैंड एक्जिमा और एलर्जी कम हो रहे हैं, स्किन जो है सॉफ्ट हो रही है और लेस ड्राई हो रही है। स्टे हैप्पी और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।